नमस्कार, स्वागत है आपका एलएनबी टीवी में। दीपोत्सव, दीपों का पर्व दीपावली, पर दीप के बिना यह सब कुछ अधूरा दिखलाई देता है। दीप ना हो, प्रकाश ना हो, तो मानो दीपावली का कोई महत्व दिखलाई नहीं देता। दीपोत्सव के इस पर्व में महत्व है विशेषकर मिट्टी से बने हुए दीपों का, मिट्टी से बनी हुई मूर्तियों के पूजन का। इसके निर्माण में लगती है काफी मेहनत, और मेहनत करते हैं एक विशेष वर्ग के लोग, जिसे हम कुंभकार, कुम्हार या प्रजापति के नाम से पहचानते हैं। चक्रवर्ती भी कहीं कहीं इनको कहा जाता है। यह एक वह समाज है जिसके काफी बड़ी संख्या में लोग आज भी मिट्टी के बर्तनों का निर्माण करते हैं, दीपों का निर्माण करते हैं, और ग्वालों का निर्माण करते हैं, मूर्तियां बनाते हैं जो कि एक छोटी छोटी डबलियां कहलाती हैं, उनका निर्माण करते हैं, घटों का निर्माण करते हैं, और इस तब का सनातन धर्म के अंदर पूजन में प्रयोग करने की विधि विधान बतलाए गए हैं। परंतु आज की स्थिति में, वर्तमान परिस्थिति में, जहां आधुनिक युग में कुछ ऐसी चीज़ों ने प्रवेश कर लिया है जिसके चलते यह कुंभकार समाज आज भी बड़ी विषम परिस्थितियों में इससे अपने व्यवसाय को, इस कला को बचाने में संघर्ष कर रहा है। किस प्रकार का यह निर्माण करते हैं, क्या कहते हैं, यह एक अलग कहानी है। हम आपको एलएनबी टीवी के माध्यम से रूबरू कराना जा रहे हैं उस समाज के उन व्यक्तियों से जो आज भी कुंभकार की जो कला है उस कला को जीवित रखे हुए हैं, लगातार वह संघर्ष करते हैं, और किस प्रकार वह मूर्तियों, दीपों, डबलियों, ग्वालों, मूर्तियों का निर्माण करते हैं, किस प्रकार का वह संघर्ष कर रहे हैं, आइए देखते हैं एलएनबी टीवी की यह विशेष रिपोर्ट। लेकिन मिलते हैं हम लोकतंत्र का भाग्य विधाता, बने जागरूक हर मतदाता। भारत निर्वाचन आयोग लेकर आया है वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, यानी VVPAT। इस बार जब आप EVM में अपने पसंद के प्रत्याशी का बटन दबाएं तो ध्यान रखें, EVM पर पसंद के प्रत्याशी के नाम के सामने लाल बत्ती जलेगी और ठीक उसी समय EVM के बगल में रखे हुए VVPAT के प्रिंटर में एक पर्ची छपती है। 7 सेकंड बाद तक यह पर्ची स्वयं कटकर बॉक्स में गिर जाती है। उसे देखकर यह सुनिश्चित कर लें कि पर्ची पर आपके द्वारा चुने गए प्रत्याशी की क्रम संख्या, प्रत्याशी का नाम एवं उसका चुनाव चिन्ह दर्ज है। ये इस बात का सबूत है कि आपका वोट आपके पसंद के प्रत्याशी को ही गया है। यह जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। लोकतंत्र का भाग्य विधाता, बने जागरूक हर मतदाता। दीपोत्सव अर्थात दीपावली, दियों के प्रकाश से निकलने वाली रोशनी से जहां पूरा देश जगमगाने लगता है, तो उन दीपों के निर्माण में लगे हुए कुंभकार आज अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, अपनी इस कला और संस्कृति को बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आधुनिकता की दौर में विद्युत की रोशनी, विद्युत के सामान के साथ साथ विदेशी सामानों ने इन पर काफी गहरा प्रभाव छोड़ा है, फिर भी यह कहते हैं कि जो है हम अपनी कला और संस्कृति को बचाए रखने के लिए किसी प्रकार की कोई कोर और कसर नहीं छोड़ेंगे। हाँ, परेशानी जरूर है, पर इनके चेहरे पर दर्द लेकिन खुशी भी झलकती है कि हम अपनी सभ्यता, भारत की प्राचीन परंपरा को हम बचाए रखे हुए हैं। दमोह नगर के हम कुंभकार समाज के लोगों से
मिले जब उनने अपने दर्द को एलएनबी टीवी के सामने रखा तो निश्चित रूप से महसूस हुआ कि काफी बड़ी समस्या और संकट इनके सामने है। फिर भी यह मुस्कुराते हैं और मुस्कुराते हुए अपने कार्य में लग जाते हैं। आइए एलएनबी टीवी के माध्यम से हम आपको उनके दर्द और उनके द्वारा जो संकल्प लिया गया है, जिस प्रकार वह कला और संस्कृति को बचाने में अपना योगदान दे रहे हैं, क्या कहते हैं कोमकार समाज के लोग? प्लास्टर ऑफ पेरिस की भी बनने लगी है, बहुत सारी चीजें, तो धंधे पे कोई प्रभाव पड़ रहा है? क्या नाम है आपका? अच्छा दामोदर जी, ये क्या बना रहे हैं आप? अच्छा ग्वालने, तो ग्वालनों का निर्माण कर रहे हैं आप, मिट्टी की मूर्ति बना रहे हैं। हाँ। तो इसका क्या महत्व है, क्यों बनाई जाती है, क्या है ये? क्या है कि ग्वालन जो पुरुष की पूजा होती है। अच्छा ये देखो, काफी मेहनत का काम है ये। पुराने समय में जो कि आपकी जो पारंपरिक बिजनेस है, पारंपरिक धंधा है आपका, और वर्तमान समय में आप जब ये आज आधुनिक युग में बहुत सारी मूर्तियाँ जी, हाँ, लेकिन जो आज बाहर की भी मूर्तियाँ आती हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस की आती हैं, कई चीजें आती हैं, उसके चलते आपके धंधे पे कितना फर्क पड़ रहा है? पीओपी से, पीओपी के धंधे से जो जहाँ पर्यावरण को नुकसान है और वहीं आप लोगों को भी नुकसान का फायदा। ये क्या कर रहे हैं आप? इसमें आग लगा रहे हैं। अच्छा ये क्या आग लगा रहे हैं, ये क्या है, ये है क्या जी? भट्टा है, काई का ग्वालन का। इसमें कितनी ग्वालन होगी लगभग? इसमें 400 की। ये मतलब कितने टाइम के अंदर पक के तैयार हो जाएगा? 24 घंटे में निकला है। फिर इसके बाद फिर क्या करेंगे? कलर करेंगे। कितने की बिकती है ग्वालन? फिर भी 20-30 रुपए की एक ग्वालन बिकती है। और मेहनत? अच्छा आपका शुभ नाम क्या है? मनोहर जी। वर्तमान समय में प्लास्टर ऑफ पेरिस और अन्य चीजें आ गई, ऐसी परिस्थिति में आपके धंधे पे कितना असर पड़ा? बहुत असर है। पर पूजन में विधान तो मिट्टी का है। हाँ, पूजन में तो भाई विधान तो मिट्टी का है, जो सब मान्यता दी गई है मिट्टी को ही दी गई। लेकिन अब आज के दौर में लगभग कितने परिवार होंगे जो इसमें इस धंधे में लगे हैं? हमारे यहाँ तो कम से कम 200 परिवार रहते हैं समाज में, तो प्राय उसमें से 150 परिवार काम करते हैं। लगभग 150 परिवार इसी भी धंधे में लगे हुए। परमलाल चक्रवर्ती। चक्रवर्ती जी, ये हाँ। ये जो आज जो आप लोग जो भट्टा लगा रहे हैं, ये किस बात का भट्टा लगा रहे हैं, क्या है ये भट्टा लगा रहे हैं? इसमें सभी प्रकार के पकाएंगे, ग्वालने भी हैं, डबलियां भी है छोटी, हाँ। दिया भी हैं, जो जरायात हैं, मान सभी प्रकार के झुमका जसबलियाँ ऐसी सब प्रकार के हमारे भट्टा में रख के पकाते हैं उनको। कच्चे नहीं बेचते, पका के बेचते हैं। जैसे कि मतलब आपका तो ये जो है पुरातन ज्ञान है आपका, जो कार्य है बाप दादा कर जाए हैं, हम भी कर रहे हैं। ऐसा मतलब हमारा धंधा है कि हमारे बाप दादे कर जाए, चक्का घुमा दिया है, हम भी बनाते हैं। मतलब पिछले समय में और वर्तमान समय में कितना अंतर पाते हैं? अरे अब तो बहुत ही लक्कत का काम हो गया है इसमें कंटा भी बहुत महंगे मिलते हैं। ईंधन में जी में छिपलिया तो नाम थे, अब भट्टा पका जरूर रहे हैं, मगर इसमें छिपलिया नहीं है। मैं जो लकड़िया की छिपलिया में रहती हूँ उसे अच्छे पकत तो भट्टा, मगर अब कंटे कंटा से उसको साझा नहीं पकाते, कौकड़िया रहे जहाँ से फिर कल दोबारा पकाने पा रहे हैं उनको। ऐसे मतलब परेशानी होती है अब पकाए में, सबसे तड़का क्यों चलता नहीं है इसमें, लकड़िया या कट्टा चलता है, ईंट का धंधा तो ईंट में है तो क्यों चल जाता।
इसमें तो सिर्फ कंडा और लकड़ी की चलती है। ताज़ातरीन समाचारों के लिए देखते रहिए LNB TV, जुड़िए हमसे, हम बनेंगे आपकी आवाज़। नमस्कार।